आराधना हम करते हैं, मन से आत्मा में हम तुझे बुलाते हैं। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाइए। हम करते हैं मन से आत्मा में हम तुझे बुलाते हैं। तेरे चरणों में मैं सदा ही रहूं, तेरे चरणों में मैं सदा ही रहूं। तेरे वचनों पे मैं सदा सब कुछ पा लिया तेरे प्यार में। सब लोग आएंगे। मैंने सब कुछ पा लिया दोबारा। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। पापी था मैं पहले, पुत्र तूने बना लिया। यस लॉर्ड, हम तुझे बुलाते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने हमको चुना है, धन्यवाद कि तूने हमारी बुद्धि खोली है, धन्यवाद कि परमेश्वर तूने हमें बताया है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। आइए कलीसिया अपने आप को समर्पित करिए परमेश्वर के चरणों में, अपने आप को समर्पित करिए परमेश्वर के चरणों में। हम कुछ नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर महान है। यस लॉर्ड, कलीसिया ऊंची आवाज में बोलिए, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसके प्यार को महसूस करिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करिए, महसूस करिए, महसूस करिए कि उसने आपके लिए बलिदान दिया, आपके लिए बलिदान दिया। उसने कोड़े खाए, हाथों और पैरों में कीले चुभवाई। ओ पिता परमेश्वर, आप महान है, महान है, महान है, महान है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आज का दिन अद्भुत है और आज का दिन हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी कृपा हम पर कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर हमें एक मन एक दृष्टिकोण के साथ एक स्थान पर लाता है, अपने घर में बुलाता है ताकि हम उसके हो जाएं, ताकि हम उसको जानें, ताकि हम उस शैतान को जानें और डरे नहीं। आज शैतान डर कर आपसे पाप करवाता है। अज्ञानता हमें परमेश्वर से दूर करती है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर ने बनाई ताकि हम उस ज्ञान को हासिल कर सकें, हम उस परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकें, हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई बहन, यदि हमने उस प्रेम को जान लिया, उस परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, आप कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं। बाइबल ये नहीं कहती है कि आप प्रभु को पा लेंगे तो आपको विपत्ति नहीं आएगी या कभी जीवन में दुख नहीं होंगे। दुख होंगे ये, लेकिन उस दुख में आप यीशु को अपने साथ पाएंगे। आज जब दुख होता है तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं। अरे कौन है जो इस संकट में, इस दुख में, इस परीक्षा में मेरा साथ देगा? होता है कि नहीं होता है? कौन है मेरा अपना? दुख में रिश्तेदार भी भाग जाते हैं, पड़ोसी भी भाग जाते हैं, दोस्त भी भाग जाते हैं, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारा प्रभु यीशु महान है। उसको अपना बनाकर देखिए, उसको अपना बनाकर देखिए, उससे प्यार करिए, उससे कहिए कि मुझे तेरी जरूरत है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप उसे हर पल कठिनाई में, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसे पाएंगे, आप उसे पाएंगे। बहुत प्यारा परमेश्वर है जो अपने जीवन को बलिदान कर सकता है हमारे लिए, जो हमें पाने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को बलिदान कर सकता है, जो हमें पाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर मनुष्य के रूप में आ सकता है, जो हमें उद्धार देने के लिए हाथों और पैरों में कीले चुभवा सकता है, 39 कोड़ों की मार खा सकता है। आप सोचिए वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? हमारे हर सवाल का जवाब यीशु है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें बस उसके साथ रहना है। जैसे हमारी बच्ची ने गीत गाया था, मेरे साथ ही रहना हो मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। यस, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे, हम उसके बिना नहीं रह सकते। बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत अच्छा है। एक ऐसा वचन जो आप जानते हैं, एक ऐसा वचन जिसके बारे में आपने सुना है कई बार, आज उसका प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया है। उस वचन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। हम इस कलीसिया में आते हैं मांगने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम घर में होते हैं, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन आपने कई बार सुना होगा और ये परमेश्वर की वाणी है और ये वचन अद्भुत सत्य है। ये वचन बताता है
कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आमीन। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम सुनते हैं, अद्भुत परमेश्वर के प्रेम को हम आंकते हैं। वो क्या कहता है, अपना मुंह खोलकर सिर्फ मांग, सिर्फ बोल तू कि तुझे क्या चाहिए। आमीन। ऐसा पिता कभी देखा है आपने? मांग। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस वचन को हमें समझना जरूरी है। बिना रिश्ता बनाए, बिना संबंध बनाए, हम किसी से कुछ मांग सकते हैं? मांग सकते हैं? अगर मैं आपको नहीं जानता हूं तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? अगर कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देखेंगे, ये कौन है, क्या चाहता है ये आदमी? आपको हो सकता है मेरी नियत पर शक हो, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं। लेकिन जिस पल मेरा रिश्ता आपसे हो जाएगा, मेरा संबंध आपसे हो जाएगा, यह वचन क्या बताता है? परमेश्वर से संबंध के बारे में बताता है। यह वचन क्या बताता है? परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले मैं ये वचन शुरू करूं, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो बताता है कि ये वचन हमें किस तरीके से अपने जीवन में लेना चाहिए। हम इस वचन को बड़े अजीब तरीके से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगते हैं, और जब पूरा नहीं होता है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि अरे हमने मांगा था, परमेश्वर ने दिया नहीं। लेकिन आपने मांगा कैसे? हेलो, आपने मांगा कैसे? परमेश्वर यही तो बताना चाहता है, परमेश्वर यही तो आपको महसूस कराना चाहता है। तू मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन पहले मुझसे रिश्ता बना, मुझे जान तो सही। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 11 का 5-8 ये वचन हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। Amen. Yes. आगे। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। वो जो दोस्त था जिससे मांगा गया था कि मेरा मित्र आया है, मुझे 3 रोटियां दे, अब वो अंदर से जवाब दे रहा है, वो भीतर से उत्तर दे रहा है कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता हूं। मांगने वाला कौन है? दोस्त। देने वाला कौन है? दोस्त। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कह रहा है, आगे पढ़िए बेटा, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आमीन। वो मित्र है, हालेलुया। हो सकता है वो एक बार मना करे, दो बार मना करे, तीसरी बार मना करे, लेकिन जब ये मित्र चौथी बार कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो वो उठकर रोटी देगा। हेलो, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इस दोस्त ने क्या किया? मांगा। किससे मांगा? दोस्त से मांगा। कितने बजे मांगा? रात को 12 बजे। क्यों मांगा? क्योंकि वो उसका दोस्त था,
क्योंकि वो उसका मित्र था, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं मांगूंगा और मुझे मिलेगा। Praise the Lord। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें बताती है कि हम उस विश्वास को अपने साथ रखें जो परमेश्वर ने वरदान के रूप में हमें दिया है। बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर को जान जो तेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। Praise the Lord। जब आप उस रिश्ते को समझ जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके संग अपना बनाया है, जब आप उस रिश्ते को लेकर कलीसिया में आएंगे, जब आप उस रिश्ते की अहमियत को लेकर अपने जीवन में चलेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, विश्वास दिलाता हूं आपको, कोई कमी घटी नहीं होगी। आप उस रिश्ते की अहमियत को समझिए। ये वचन मुझे अपने परमेश्वर के रिश्ते की अहमियत को बता रहा है। Praise the Lord। यूहन्ना 15 का 7 क्या कहता है कि यदि मेरे वचन तुझमें और तेरे वचन मुझमें बने रहेंगे तो तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। पढ़िए, दोबारा पढ़िए यूहन्ना 15 का 7, देखिए क्या कह रहा है वो। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, जो चाहेगा तू, जो चाहे। लेकिन कब? रिश्ता। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें। Praise the Lord। Praise the Lord। वो क्या चाहता है? मेरा बच्चा मुझ में बना रहे। आप अपने रिश्तों से क्या चाहते हैं? आपका पति आप में बना रहे, आपका बच्चा आप में बना रहे, मेरी पत्नी मुझ में बनी रहे। Amen। हेलो, क्या चाहते हैं? कि जिससे मेरा रिश्ता है वो मुझ में बना रहे। दुख कब होता है? जब मेरा रिश्ता मुझसे अलग हो जाता है, जब मेरा रिश्ता मुझे नहीं समझता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसे रिश्ते हैं, कई ऐसे परिवार हैं, एक ही घर में रहते हुए अलग अलग है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं जानते। जब आप एक दूसरे को जानते नहीं तो मांगेंगे कैसे? आप मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और कई ऐसे परिवार भी हैं कि दो अलग अलग जगह रह रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से एक दूसरे में हैं। Praise the Lord। हमें एक दूसरे में रहना है। रिश्ता तभी पनपता है यदि तुम मुझ में बने रहो। हमें उसमें बने रहना है। Praise the Lord। 17:21 पढ़िए, यूहन्ना 17:21 बताता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। यूहन्ना 17:21, कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में, जैसा तू पिता मुझ में है। वो पिता से प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए कि जिनको हमने चुना है, जिनको मैंने चुना है, जो मेरे बच्चे हैं, जो तेरे बच्चे हैं, वो सब एक हो जाएं जैसे मैं और तू एक हैं। हेलो, हालेलुया। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, एक हो जाएं। कोई भी रिश्ता जब तक आप एक नहीं होंगे आपका रिश्ता पनपेगा नहीं, आपके घर में बरकत नहीं आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर पति पत्नी से झूठ बोल रहा है और पत्नी पति से झूठ बोल रही है, एक बेटा अपनी मां से झूठ बोल रहा है, बेटी अपनी मां से झूठ बोल रही है, मैं आपको कह रहा हूं आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में आशीष नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप एक नहीं है। हमको एक बनकर चलना है, एक बनकर रहना है।
मैं अपनी पत्नी में रहूं, मेरी पत्नी मुझ में रहे. प्रेज द लॉर्ड. कभी कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, आपको याद होगा, शायद आपके संग हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं जानता हूं, लेकिन कभी कोई रिश्तेदार आ जाए और पति पत्नी जिनके घर में रिश्तेदार आए हैं वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक दूसरे को देखकर वो सारी योजनाएं बना लेते हैं. आमीन. 10 लोग अचानक आ गए खाना खाने के लिए, पति पत्नी से नहीं बोलते. जो समझदार होते हैं, जो एक होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं क्या लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. आमीन. होता है कि नहीं होता है? ये होता है एक होना, पति पत्नी में एक होना. इसीलिए हम, वो कहता है, जब अगर तू मुझ में हो जाएगा, अगर मैं प्रभु में आ जाऊंगा, यीशु कहता है अगर तू मुझ में बन रहेगा तो तू मुझे जानेगा, तो तू मुझे समझेगा, और तू जो चाहेगा मांगेगा तुझे मिलेगा, जो चाहेगा मांगेगा मिलेगा. हालेलुया. हम बस उसमें बने रहे. हेलो. घर को कौन चलाता है? आपके घर को कौन चलाता है? पैसा? कुछ पल के लिए. हमारे घरों में प्रसन्नता, उत्साह, खुशियां कैसे आती हैं? क्या पैसे से आती हैं? नहीं, जब हम एक मन हो जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं तब हमारे अंदर शक्ति आती है कि दुख भी आएगा तो हम मिलके काटेंगे, सुख भी आएगा तो मिलके काटेंगे. प्रेज द लॉर्ड. जब हमारे अंदर यह शक्ति आती है, जब हमारे अंदर यह भावना आती है, जब हम दोनों एक दूसरे में एक हो जाते हैं, तो मेरे भाई बड़ी सी बड़ी परीक्षाएं हम लांग जाते हैं, बड़े से बड़े चट्टानों को हम पार कर देते हैं, क्योंकि हम एक हैं. यही तो प्रभु कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से पहले रिश्ता बना. तू किससे मांग रहा है? तू क्या मांग रहा है? जिस दिन तो यह समझ जाएगा कि तू किससे मांग रहा है, उस दिन तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी. चिल्लाता कौन है? बार बार बोलता है. जिसका रिश्ता कमजोर होता है ना, उसका बार बार बोलता है, बार बार, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे. जो बार बार बोलता है, इसका मतलब आपका रिश्ता कमजोर है. हमें बार बार नहीं बोलना है. क्या आप अपने पति से बार बार बोलते हैं? बच्चों की फीस देनी है, इतना ही बहुत है. पति को पता चल गया राशन खत्म हो रहा है, इतना ही बहुत है. बार बार बोलना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि आप बने हुए हैं एक में. इसी तरीके से जब हम परमेश्वर में एक हो जाएंगे, जब हम उसमें बच जाएंगे, जब हम उसके अंदर और वो हमारे अंदर रहेगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दिया जाएगा. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने हमसे वचन में कहा है. अरे ढूंढोगे तो ही तुम पाओगे, यीशु ने हमसे वादा किया है. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने हमसे वचन में कहा है.
ढूंढोगे तो ही तुम पाओगे, यीशु ने हमसे वादा किया है। खटखटाओ, उसको जानो, उसको सर्वस्व अपना मानो, दरवाजे पे प्रभु को तुम पाओगे। यीशु ने हमसे वचन में कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं किससे मांग रहा हूं? अपने पिता से। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो, मरकुस 11:24 बाइबल क्या कह रही है? जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें मिल जाएगा। बोली 11:24 इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना में जो तुम मांग रहे हो तुम प्रतीति कर लो, समझ लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन क्या बताता है? आपके संबंध के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में बताता है। आप किससे मांग रहे हैं? पिता से। अरे वो पिता जिसने आपको अपने लहू से शुद्ध किया है, वो पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजकर आपके लिए बलिदान किया है ताकि आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा? सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप उस पिता की पुत्री बन जाएंगी उस दिन आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन मेरा पिता आपको उठाएगा और अपने गले लगाएगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता है आपको क्या चाहिए, आपका रिश्ता कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है। सवाल तो यह है कि आपका रिश्ता कैसा है उससे। अगर रिश्ता सही नहीं है, सुबह से शाम तक मांगते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। सुबह से शाम तक मांगते रहिए आप, सुबह शाम तक प्रार्थना करते रहिए, दे 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 दे, कुछ नहीं होगा। भजन संहिता 139:4 क्या कहता है? भजन संहिता 139:4 हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तू नहीं जानता है। वो पिता है। इसी का पहला पढ़िए, भजन संहिता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे अंदर जो विचार आने वाला है उसको तू पहले ही समझ लेता है। हेलो, मेरे अंदर एक विचार आएगा कि मैं परमेश्वर से मांगूं, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं, इस विचार को मेरे अंदर आने से पहले ही तू जानता है। सोचिए कौन है हमारा पिता, सोचिए कि वो क्या कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है मांगो। क्यों? जब वो मेरे विचारों को समझ लेता है, जब मैं उसका पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो चाहता है कि वो प्यार जो उसके अंदर आपके लिए है, आपके अंदर उसके लिए प्यार है कि नहीं है, आपके अंदर वो विश्वास है कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जब आपका बच्चा छोटा होता है, 1 साल का होता है, 1.25 साल का होता है, बोलता नहीं है,
आप कहते हैं मेरा बच्चा बोले 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 बोले, क्या आप एक साल डेढ़ साल तक उसको खिलौना नहीं देते? क्या नहीं देते? देते हैं, खाने की चीजें देते हैं ना, देते हैं, कपड़ा देते हैं ना, देते हैं ना। लेकिन फिर भी जैसे ही वो बड़ा होता है, आपकी क्या इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझे पापा बोले और मांगे कुछ मुझसे। आमीन। मेरा बच्चा जब पौने दो साल का हो गया था, मुझे लगता था मेरा बेटा मांगे कुछ, बोले पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ट्रॉफी दो, पापा मुझे खिलौना दो। क्या उससे पहले हमने उसको नहीं दिया? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो चाहता है, पापा चाहता है कि मेरा बेटा मुझे पापा बोले। आमीन। आमीन। वो चाहता है सर्वशक्तिमान, वो कहता है कि मेरी बच्ची मुझे पापा बोले। जिस दिन हमने उसे अपना पापा बना लिया ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें होंगी। प्रेस अलॉट। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रेस अलॉट। इसका दूसरा हिस्सा क्या है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। लूका 15 3 से 7 के बीच में। अब इस वचन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे लिए कितनी कीमती है, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो उसकी तुम्हें कितनी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, लेकिन उस चीज की कीमत आपके ढूंढने के तरीके को बताएगी। देखिए, पढ़िए 3 से 7। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, हाँ। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो, उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई के लिए भटकता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो जो चरवाहा है जिसकी भेड़े थी, उसके लिए एक भेड़ की कितनी कीमत है, एक भेड़ की कितनी कीमत है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसे खोज रहा है? भेड़ को। उसको ढूंढ रहा है, उसके लिए उस भेड़ की कितनी कीमत है। जिस दिन आप उस चीज को ढूंढने लगेंगे जिस चीज की आपके जीवन में कीमत है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस दिन वो आपको मिलेगी। जानते हैं यीशु मसीह जब उस जंगल में गए थे, रेगिस्तान में गए थे और 40 दिन का उपवास किया था, क्या ढूंढने के लिए गए थे? प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं उस वचन के बारे में, लूका 4 मती 4 में बताया गया है। क्या ढूंढने के लिए गए थे? प्रेज द लॉर्ड। उपवास क्यों किया इन्होंने? क्यों किया 40 दिन का उपवास? जैसे ही बपतिस्मा किया घर नहीं गए, पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, रेगिस्तान में ले गया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें चाहिए था अपनी सेविकाई के लिए वो सामर्थ। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या चाहिए था? वो सामर्थ। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेविकाई ईश्वरीय सामर्थ से नहीं की, ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा उन्होंने अपनी सेविकाई नहीं की, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपनी सेविकाई की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आप लूका 4 का 1 पढ़ेंगे, आप पढ़िए लूका 4 का 1।
फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन फिर यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यर्दन से लौटा और 40 दिन तक रेगिस्तान में रहा और वहां पर शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इसी का 14वां पढ़िए, 4:14 लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब गया था जंगल में तो आत्मा से परिपूर्ण था, लेकिन जब वो लौटा तो आत्मा के सामर्थ से लौटा। प्रेज द लॉर्ड। आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं? आप अपना धंधा ढूंढ रहे हैं? आप पैसे ढूंढ रहे हैं या पवित्र आत्मा का सामर्थ ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आपकी दाल रोटी चाहिए, आज की रोटी चाहिए, कल की रोटी चाहिए, या परमेश्वर से रिश्ता चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। मैं किसे ढूंढ रहा हूं? आपको क्या चाहिए? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं? हमें पता ही नहीं होता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम किसी को दर्जी का काम करते हुए देखते हैं कि कपड़े सिलता आ रहे, कपड़े सिलता, कितना कमाते हैं भैया? 15,000। ये यार अच्छा यार, सिलाई अगर सीख लें हम लोग तो 15,000 हम भी कमा लेंगे। आप सिलाई सीखने लग जाते हैं, किसी को कंप्यूटर सीखने में, कंप्यूटर चलाने में किसी को 40,000 मिलता है, आपको लगता है हम 40,000 हम कंप्यूटर सीख लें? आप ढूंढ क्या रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपको चाहिए क्या? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ये उसका वायदा है, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे? क्या आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे? प्रेज द लॉर्ड। रेगिस्तान में यीशु मसीह गया, 40 दिन तक उपवास किया, शैतान ने परीक्षा की, वहां जानवर भी थे, जानवरों के साथ वो था और जानवरों के साथ भी लड़ा। वो मरकुस की पत्री में लिखा हुआ है, लेकिन वो ढूंढ रहा था उस सामर्थ को। वो चाहता था कि मुझे परमेश्वर का सामर्थ मिले, मैं परमेश्वर के सामर्थ को, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई, हम क्या चाहते हैं? हम किसे ढूंढ रहे हैं? जब आपका रिश्ता अच्छा होगा परमेश्वर से, तब आप सही चीज ढूंढेंगे, गलत चीज नहीं ढूंढेंगे। और अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है तो आप गलत चीज ढूंढेंगे, आप गलत नजर आपका हो जाएगी, आपके विचार गलत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं इस पे डिपेंड है। उस आदमी की एक भेड़ खो गई थी और उसने दिन रात एक कर दिया अपनी भेड़ को ढूंढने में। और बाइबल क्या कहती है, इसी का अगर 7वां पढ़ेंगे, 15:7, कि जिस तरीके से एक भेड़ मिल जाती है उसी तरीके से अगर एक पापी शुद्ध हो जाता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए आपकी सोच, आपका संबंध, आपका रिश्ता जो परमेश्वर से है, एक आनंद का बायस हो सकता है। आप ढूंढ क्या रहे हैं? आपकी नजर किसे तलाश कर रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या चाहिए?
जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, मैं चर्च क्यों आता हूं, क्या सिर्फ चंगाई के लिए आता हूं, यह रोजी रोटी के लिए आता हूं, या मेरे रिश्तों के लिए आता हूं, या मैं प्रभु के करीब जाना चाहता हूं, किसके लिए आते हैं आप? मेरे भाई, आपका नजरिया क्या है? मसीह जीवन को जीने का आपका नजरिया क्या है? एक शादी करने का आपका नजरिया क्या है? एक लड़की अच्छी मिल जाए, खूबसूरत, अच्छा दहेज मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा गाड़ी वगैरह मिल जाए, बस इसीलिए शादी करनी है, तो मेरे भाई आपकी शादी चलेगी नहीं, आपकी शादी चलेगी नहीं, आपको कुछ सुख मिलेगा नहीं शादी का। लेकिन अगर शादी करने से पहले आपका नजरिया है कि नहीं, मुझे जीवन में एक ऐसी साथी चाहिए जो मुझे समझ सके और जिसे मैं समझ सकूं और हम दोनों मिलकर इस जीवन की यात्रा को पूरा करें, जिस दिन आपके अंदर यह नजरिया होगा कि नहीं, मुझे एक पत्नी नहीं, मुझे एक गुलाम नहीं चाहिए, एक मोहरा नहीं चाहिए कि मैं उसके शरीर से कैसे खेलूं और उसके छोड़ दूं, नहीं, जिस दिन आपका नजरिया शादी के लिए अच्छा होगा, आपके जीवन में सुख होगा, सुख होगा। इसी तरीके से अगर आप परमेश्वर के साथ, आपका रिश्ता कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आपने क्यों मसीहत ज्वाइन की है, आप क्यों मसीह बने हैं, अगर यह नजरिया आपका सही है, प्रेज द लॉर्ड, तभी आप आशीष पाएंगे, तभी आप परमेश्वर को समझेंगे, तभी आप उस सुख को भोगेंगे। इसलिए अगर जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, अगर जो चीज ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढने में आपका नजरिया क्या है, प्रेज द लॉर्ड, किस नजरिए से आप ढूंढ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट यहां पर है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे, क्या खटखटाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? मरियम मगदलीनी जो कि गई थी, अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 16:3-5-6, मरकुस 16:3-5-6, मरियम मगदलीनी के बारे में आप सब जानते हैं, वो एक वेश्या थी जिसको, जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको निकाल, उसमें से, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल दी थी। यीशु मसीह उसका पास्टर नहीं था, यीशु मसीह ने उसको अपना शिष्य चेला नहीं बनाया था, लेकिन वो यीशु को प्यार करती थी और समर्पित थी, यीशु को सब कुछ मानती थी। प्रेज द लॉर्ड, यीशु जब उस कब्र में रखे गए और उस कब्र के बाहर एक पत्थर रखा गया, जब मरियम मगदलीनी अपने घर में थी, मरियम से बात कर रही थी, सलोमी से बात कर रही थी कि हम लोग जाएंगे तो उस पत्थर को कौन हटाएगा, प्रेज द लॉर्ड, उस दरवाजे को कौन खोलेगा जो कब्र पर रखा हुआ है, उस दरवाजे को कौन खोलेगा जो मेरी मुसीबतों के सामने रखा हुआ है, उस पत्थर को कौन हटाएगा मेरे जीवन से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन सो रही, उनको हटाओ, अंजलि, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस पत्थर को कौन हटाएगा? तो मरियम मगदलीनी जो कि समर्पित थी, जो कि मसाले लेकर जा रही थी प्रभु के जिस्म पर लगाने के लिए, वो प्यार, वो समर्पण, हालेलुया, वो रात के अंधेरे में अपने घर से निकल पड़ी प्रभु से मिलने के लिए जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, हालेलुया, उसने जीवन को, उसने दुनिया को नहीं देखा, दुनियादारी को नहीं देखा, उसने रीति रिवाजों को नहीं देखा, उसने सिर्फ देखा यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड,
पढ़िए बेटा। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आमेन आमेन। जब उन्होंने आंख उठाई, प्रेज द लॉर्ड, घर में क्या सोच रही थी वो कि पर्दा कौन हटाएगा, पत्थर कौन हटाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही वो कब्र पर पहुंची, पत्थर हटा हुआ था, पत्थर हटा हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। आप किस दरवाजे को अपने जीवन से हटाना चाहती हैं? आप किस दरवाजे को खोलना चाहती हैं? वो दरवाजा कितना अहमियत रखता है आपके लिए? आपका कौन सा ऐसा दरवाजा बंद हो गया जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं संसार के दरवाजे को खोलना चाहती हूं? क्या मैं संसार में किसी एक दरवाजे के जरिए संसार तक पहुंचना चाहती हूं, या मैं उस दरवाजे को खोलना चाहता हूं जो मुझे प्रभु के पास लेकर जाएगा? हेलो, मैं किस दरवाजे को चाहता हूं? कौन सा दरवाजा बंद है? मरियम के लिए वो पत्थर बहुत कीमती था कि वो पत्थर को कौन हटाएगा। उसकी सिर्फ यही प्रार्थना थी कि क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि पत्थर के अंदर यीशु है। मेरे और यीशु के बीच में पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई ऐसा दरवाजा है आपके जीवन में जो परमेश्वर और आपके बीच में है? अगर आप उसे उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। क्या ऐसा कोई दरवाजा है आपके बीच में जो परमेश्वर और आपके बीच में है, जो परमेश्वर से आपको मिलना नहीं चाहता, जो नहीं चाहता उस दरवाजे की वजह से कि आप परमेश्वर से मिले? मेरे भाई, परमेश्वर उस दरवाजे को खोलना चाहता है। परमेश्वर उस दरवाजे को खोलना चाहता है। अगर कोई ऐसा दरवाजा है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आज परमेश्वर उस दरवाजे को खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खटखट आपको करनी है। हेलो, खटखट आपको करना है। परमेश्वर से बोलना आपको है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर को हमसे दूर रखने के लिए कोई भी विचार, कोई भी रिश्ता, कोई भी काम अगर हमारे आड़े आता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, वो दरवाजा हमारे लिए नहीं है। वो दरवाजा हमारा नहीं है। वो दरवाजा हमारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तैयार है परमेश्वर, तैयार है परमेश्वर। यिर्मयाह 29:13 क्या कहता है? यिर्मयाह 29:13 कि जब तुम संपूर्ण मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मेरी अपनी संपूर्णता को जब तुम सामने रखोगे, अपनी संपूर्णता के साथ जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। पढ़िए बेटा, यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन। इस दरवाजे के खोलने की चाबी एक ही है, संपूर्ण मन। पूरी तरीके से आपका मन प्रभु की ओर लगो, पूरी तरीके से आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार हो, पूरी तरीके से आपका समर्पण परमेश्वर की ओर हो। जिस दिन संपूर्णता के साथ आप प्रभु को प्यार करेंगे, आपके पास वो चाबी आएगी कि आपके हर दरवाजे को खोल देगी। Amen. आपके हर दरवाजे को खोल देगी। आपका हर दरवाजा खुल जाएगा।
एक ही है, संपूर्णता। कहता है कि तुम मुझे खोजोगे भी, प्रेज़ द लॉर्ड, और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जिस दिन तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। जिस दिन तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, उस दिन कोई भी दरवाजा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई भी चट्टान तुम्हें रोक नहीं पाएगी, मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। पत्थर को मैं हटाऊंगा, दरवाजों को मैं खोलूंगा, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्यारा, बहुत महान पिता है हमारा। संपूर्ण मन परमेश्वर उस मन को ही देखता है आपके अंदर, वो कि मेरा बच्चा मुझे कैसे प्यार करता है, किस मन से प्यार करता है, हमारा नजरिया क्या है, हम कैसे परमेश्वर के पास आते हैं, हम उसे कैसे बुलाते हैं, हम उसे कैसे देखते हैं। वो सिर्फ यही देखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो कुछ भी आपको दे सकता है, लेकिन सिर्फ वो ये देखना चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे किस तरीके से प्यार करता है। हालेलुया। चाहे आप कैसी जबान में बुलाएं, चाहे आपकी जबान तोतली हो, चाहे आपको बोलना नहीं आता हो, चाहे आप नए नए आए हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे पापा कहे, मेरा बच्चा मुझे पिता कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा, हर दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जो देखने वाले भाई बहन हैं, वो भी अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर आप महान है, महिमा और आदर के योग्य हैं। दयालु पिता, दया करिए। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारे मनों को जांचता है, तू दयावान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। दया कर परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, ताकि परमेश्वर तू हमारे मन में अपने प्रेम को भर दे, तो हमारे मन में अपनी करुणा को भर दे परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तुझे ही चाहें, हमारी आंखें सिर्फ तुझे ही देखें, हमारा मन सिर्फ तेरे ही लिए तड़पे परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर हमारे सामने हो, हमारा प्रभु हमारे सामने रहे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। प्लीज अपना प्रार्थना में रहिए एक दूसरे के लिए। प्रभु आने वाला है, और वचन को समझिए, मनन करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हाल